नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ भावना शर्मा। 27 जून है, वेंसडे का दिन है और आज के दिन का राहु काल का समय 12:26 से लेकर 1:42 तक का रहेगा। इसी के साथ आज के दिन में खास क्या है? जी हाँ, मंगल की चाल आज वक्री हो रही है, अपनी ही राशि में वक्री हो रहे हैं मंगल। इसके अलावा शनि ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं। तो देखिए, इस समय में, इस अवधि में क्या खास होने वाला है, साथ ही में ये जो वक्री चाल है मंगल की, क्या लेकर के आएगी, आपकी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर बात कर लें, मंगल जो वक्री हो रहा है अपनी उच्च राशि में बैठ करके, मकर राशि में मंगल वक्री हो रहा है। इसके अलावा 27 जून यानी कि आज के दिन से वक्री होकर के तकरीबन अगस्त तक ही वक्री रहेंगे, यानी कि लगभग 3 महीने तक। तो जिन लोगों के ऊपर मंगल की महादशा है, अंतर दशा से जो लोग गुजर रहे हैं, जिनकी कुंडली में मंगल ऑलरेडी वक्री है या फिर नेषप्रद है, तो उन्हें इस दौरान संकटों का, मुश्किलों का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसे लोगों पर भूमि से जुड़ा हुआ वाद विवाद, कर्जा चढ़ सकता है या फिर बहुत ज़्यादा एक तरह से कानूनी वाद विवाद में वो लोग उलझ सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों में कहीं ना कहीं पे ऐसी स्थितियाँ उन्हें परेशान कर सकती हैं। और जैसे मैंने कहा, शनि जो है वो पहले से ही वक्री चल रहे हैं और मकर शनि की ही राशि है, तो कहीं ना कहीं पे ये जो मंगल और शनि दोनों का वक्री होने का वक्रत्व जो दिखाई दे रहा है, ये खास तौर पे बाकी सारी स्थितियों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा रहेगा, क्योंकि ऐसे में प्राकृतिक आपदाएं भी सामने आ सकती हैं, भूकंप जैसी घटनाएं, या फिर कहीं ना कहीं पे देखा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उठा पटक हो सकती है। तो कई सारी ऐसे नेगेटिव चीज़ें हैं जो सामने आ सकती हैं, पृथ्वी पर अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो मंगल और शनि की ये जो स्थिति है, ये जो वक्रत्व की स्थिति है, ये आपकी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव डालेगी, इसके ऊपर बात कर लेंगे। लेकिन अगर बात करें हम टाइमिंग की, तो तकरीबन 26-27 जून के मध्य रात्रि के बाद, यानी कि 2:45 के बाद जो है मंगल वक्री हो चुका है। साथ ही में 27 अगस्त 2018 तक मंगल वक्री ही रहेगा, उसके बाद इसी राशि में मार्गी हो जाएगा। कृष्ण भाद्रपद में कृष्ण पक्ष होगा, प्रतिपदा तिथि होगी और सोमवार का दिन होगा जिस समय पर मंगल मार्गी हो जाएगा, तकरीबन शाम को 7:45 के आसपास। तो चलिए बात करें अगर राशियों की, तो अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव इसका पड़ने वाला है। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ, जो कि मंगल की ही राशि है। इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? 8 of Swords आपके लिए कार्ड निकला है, द डेविल कार्ड निकला है। तो जैसे मैंने कहा, मेष जो है मंगल की ही राशि है। इसके अलावा दशम में मंगल वक्री होने से दो स्थितियाँ बन रही हैं। पहली, जिनकी कुंडली में मंगल जो है वक्री है पहले से ही, जिनकी जन्म कुंडली में मंगल वक्री है, उन्हें इस दौरान बहुत ज़्यादा धन लाभ की स्थिति बन सकती है। अपॉर्चुनिटीज़ इस समय में आपके सामने कई सारी आएंगी, या कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेंगी, उन्हें नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग नज़र आएंगे। साथ ही में आर्थिक कार्यों में जो बाधाएं अभी तक आ रही थी वो खत्म हो जाएंगी, आपके लिए नया खुद का मकान बना सकते हैं। दूसरी स्थिति जो बन रही है इन लोगों के लिए, वो ये है कि जिनकी कुंडली में वक्री नहीं है मंगल, उन लोगों के लिए इस वक्रत्व काल में विपरीत परिस्थितियां उनके सामने आएंगी, क्योंकि आर्थिक संकटों का सामना आपको करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पे संबंधों में भी कठोरता आप दिखाई देगी, आपकी तरफ से कर्ज लेने की नौबत आपकी आ सकती है, और पुराना कर्ज अगर चल रहा है तो उसे चुका नहीं पाएंगे। इसके अलावा संपत्ति अगर आपकी बनी हुई है तो वो बिकने के योग भी बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए दो स्थितियाँ हैं, पहली वो जिनकी कुंडली में वक्री है और दूसरी वो जिनकी कुंडली में वक्री नहीं है, उनके ऊपर अलग अलग तरह से प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ को समझ लीजिए। आप लोगों के लिए उपाय क्या करना है? देखिए, आप लोगों को हनुमान चालीसा का नियमित रूप से जाप करना बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा, और नियमित रूप से हनुमान जी को चोला चढ़ाना ब्रह्म मुहूर्त पर बहुत ही लाभकारी रहेगा इस दौरान। चलिए बात करते हैं टॉरेंस की। 2 of Wands कार्ड निकला है एंड 5 of Swords कार्ड निकला है। वृषभ राशि वालों के लिए अगर मंगल की स्थिति की बात करें, तो मंगल वक्री हो रहा है नवम स्थान में, यानी कि कर्म भाव में। इसके अलावा आपके बहुत सारे कार्य जो हैं वो प्रभावित होंगे इस दौरान। वृषभ राशि वालों के लिए कई सारे कार्य आपके अटक भी सकते हैं, बनते हुए काम आपके अटक सकते हैं, आर्थिक योजनाओं पर विराम लग जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट प्लान्स चल रहे थे, आप सोच रहे थे, वो अभी कुछ समय के लिए डिलेज आपको करने पड़ जाएंगे। इन जातकों के लिए कहीं ना कहीं पे आपके काम में मन नहीं लगेगा, आप काम से मन चुराएंगे, साथ ही में मानसिक तौर से बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त महसूस करेंगे। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए ये अवधि जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव लेकर के आएगी।
उपाय क्या करना है, आप लोगों को इस अवधि के दौरान लाल रंग की चीज़ों का दान देना है। लाल रस वाले फल आप दान कर दीजिए, ऐसे धार्मिक स्थलों पर दान देना बहुत ही लाभकारी रहेगा। चलिए बात करते हैं जेमिनाइज की। पहला कार्ड निकल रहा है द एम्प्रेस एंड द सेकंड कार्ड इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो अगर बात करें आप लोगों के लिए मिथुन राशि वालों के लिए इस वक्रत्व की, तो मंगल जो है आपके लिए अष्टम भाव में वक्री हो रहा है, तो बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है मिथुन राशि वालों को, क्योंकि कहीं ना कहीं पे अभी आपके ऊपर बुध का ट्रांजिट भी हुआ था कुछ टाइम पहले, लेकिन अब जो ये मंगल की स्थिति नज़र आ रही है आपको वाद विवाद में घसीट सकती है, और ख़ास तौर पर छोटी मोटी बीमारियाँ भी आपके अगर होती हैं तो उसे अगर आप हल्के में लेते हैं तो वो ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो कोशिश कीजिए प्रॉपर तरीके से आप अपना ट्रीटमेंट कराएं। अगर हल्की फुल्की चीज़ें भी आपको परेशान करती हैं, यात्रा करने में सावधानी बहुत ज़्यादा बरतनी है मिथुन राशि वाले लोगों को, और साथ ही में कोर्ट कचहरी और अदालत के मामले जो हैं इससे दूर रहना है, इससे बचने का प्रयास करना है, क्योंकि मंगल की स्थिति है, मंगल वक्री हो रहा है, ये स्थितियाँ आपको परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए उपाय क्या है, आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, साथ ही में रोट का भोग उनको लगाना है, ऐसा करने से भी आपके लिए स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। पहला कार्ड एट ऑफ कप्स एंड द सेकंड कार्ड इज एस ऑफ पेंटाकल्स। तो अगर बात करें कर्क की, तो कंसेरेंस के लिए ये जो वक्रत्व की स्थिति नज़र आ रही है सप्तम भाव में मंगल वक्री हो रहा है आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा असर जो है आपका पारिवारिक जीवन पर पड़ने वाला है, दाम्पत्य जीवन में विवाद बढ़ेंगे, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब कर देगा। इसके अलावा पति पत्नी के संबंधों में खटास बहुत ज़्यादा आ जाएगी, जो भी रिलेशनशिप में है जो लोग उनके ब्रेकअप होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं, यानी कि लव रिलेशनशिप्स खत्म हो सकते हैं इस समय के बीच में, और परिवार में बुज़ुर्गों के साथ मतभेद हो सकते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए उपाय क्या करना है, आपको अपने इस दौरान अपने बेडरूम्स में खासतौर पर रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल आप लोग प्लेस कीजिए, ऐसा करने से आपसी रिश्तों में तनाव जो है वो खत्म होगा, और कोशिश कीजिए नमक के पानी से क्लेंज आप करते रहिए पूरे घर को, उससे नेगेटिव एनर्जीज खत्म होंगी। बात करते हैं लियो की। फोर ऑफ कप्स कार्ड निकला है, द रिवर्स कार्ड एंड द जजमेंट कार्ड निकला है, साथ ही में आप लोगों के लिए जो एंजल कार्ड निकला है, दैट मींस कि कहीं ना कहीं पे आप सिंह राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन वाली स्थिति नज़र आ रही है। अगर बात करें आपके लिए कुंडली की, तो मंगल जो है आपका छठे भाव में वक्री हो रहा है, साथ ही में ये रोग और गुप्त शत्रु का स्थान है, इसलिए मंगल के वक्रत्व काल में सिंह राशि वाले जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा बीमारियों से परेशान रहेंगे। इन्हें कोई पुराना रोग उभर सकता है इस दौरान, किडनी और पेट के नीचे का भाग से संबंधित कोई ना कोई रोग आपको परेशान कर सकता है, और बीमारियों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा हो सकता है, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। इस दौरान आपके शत्रु बहुत ज़्यादा सक्रिय रहेंगे, उनसे सावधान रहना है। कोशिश कीजिए इस दौरान आप किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं करें। तो सिंह राशि वालों को बहुत सतर्क रहना है। उपाय क्या करना है, आपको लाल रंग के पुष्प आपको हनुमान जी पर अर्पित करने हैं, इसके अलावा सूर्य की उपासना नियमित रूप से करना लाभकारी रहेगा। कन्या राशि, पहला कार्ड निकल रहा है वोगोस के लिए सेवन ऑफ वॉन्स एंड द सेकंड कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स। तो आप लोगों के लिए जो मंगल है वो पंचम स्थान में वक्री हो रहा है, यानी कि शिक्षा और संतान का स्थान, इस भाव में कहीं ना कहीं पे आप लोगों को संतान पक्ष का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा गलत समय में आपको कोशिश करनी है कि किसी भी गलत संगत में आपको नहीं पड़ना है, ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास कीजिए, और ऐसे लोगों पर नज़र रखनी है, और ख़ासतौर पे अपनी, जैसे मैंने कहा संतान के भाव में मंगल वक्री हो रहा है, तो अपने संतान की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखनी है। इसके अलावा कन्या राशि के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इसी के साथ उपाय क्या करेंगे, आपको हनुमान जी की उपासना नियमित रूप से करनी है, साथ ही में बजरंग बाण का पाठ करना है। चलिए बात करते हैं लीडर्स की। फर्स्ट कार्ड सेवन ऑफ कप्स एंड द सेकंड कार्ड इज हीरोफेरेंट। आप लोगों के लिए मंगल चतुर्थ भाव में वक्री हो रहे हैं, और इसी के साथ साथ आपके सुखों में कमी लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का स्थान है, आपके लिए आपकी मदर की हेल्थ को भी इफेक्ट करेगा, साथ ही में अच्छे भले चलते हुए काम जो है रुक जाएंगे, इसके साथ साथ ही भौतिक सुख सुविधाओं में भी कमी करेगा। अगर बात करें आपके लिए व्यापार की, तो व्यापार में भी आर्थिक हानि की आशंका नज़र आ रही है। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको संकट आ सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा आप चेंजेस करने के बारे में सोच सकते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें सिचुएशन एक हॉल्ट सिचुएशन में आ जाएगी। आप लोगों के लिए उपाय क्या रहेगा, तुला राशि वालों को ध्यान रखने हैं कि इस समय के बीच में पहले तो आप ट्रैवलिंग अवॉइड करें, साथ ही में आप लोग किसी भी कार्य के लिए अगर बाहर जाते हैं तो गुड़ खा करके बाहर जाएं, ऐसा करने से काम आपका रुकेगा नहीं, यानी कि उसमें बाधाएं नहीं आएंगी।
चलिए बात करते हैं स्कॉर्पियंस की। पहला कार्ड निकल रहा है स्कॉर्पियंस के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज सन। तो अगर बात करें आपके लिए मंगल की, तो मंगल वक्री हो रहा है आपके लिए तृतीय स्थान में, और इसके यहाँ पर वक्री होने का मतलब ये है कि इस राशि के जो आसपास के लोग हैं, आपके जो फैमिली के लोग हैं, उनकी तरफ से आपको कोई सौगात मिल सकती है, बड़ी सौगात मिल सकती है। पैतृक संपत्ति में बड़ा हिस्सा मिलने वाला है आपको, फादर की तरफ से कोई ना कोई बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं इस अवधि के दौरान। जिन लोगों की कुंडली में मंगल खराब स्थिति में है, उन लोगों को कर्ज लेना पड़ सकता है। यानी कि मंगल अगर नीच का है या मंगल के ऊपर अगर किसी खराब ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो उन लोगों के लिए पैसे से जुड़ी हुई हानि जो है वो संभव है। आप लोगों के लिए उपाय क्या करना है, वृश्चिक राशि वालों को ध्यान रखना है कि मंगलवार के दिन किसी भी पैसे का ट्रांजैक्शन वो ना करें जिनके लिए मंगल खराब है उनकी कुंडली में। दूसरी चीज़, उपाय क्या करेंगे, आप लोगों को लाल रंग के मिठाई या लाल रंग के फल आपको दान करने हैं किसी भी धार्मिक स्थल पर मंगलवार के दिन। बात करते हैं सैजिटेरियंस की। पहला कार्ड निकल रहा है द हैंगमैन एंड द सेकंड कार्ड इज जस्टिस। तो मंगल वक्री हो रहा है धनु राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में, जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं पे मिला जुला परिणाम लेकर के आएगा। कहीं से अचानक खूब सारा धन मिल सकता है आपको, किसी बड़े आर्थिक व्यापारी योजना का की शुरुआत आप कर सकते हैं, उस पर काम शुरू आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शत्रु पक्ष इसमें भी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है, उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहिए। आर्थिक स्थिति के लिए समय काफ़ी उचित है, काफ़ी उत्तम है। धनु राशि वालों को थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है अपने कॉम्पिटिटर्स की तरफ से। उपाय क्या करेंगे, लाल रंग की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना इस दौरान आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही में हनुमान जी को चोला चढ़ाना नियमित रूप से लाभकारी रहेगा। इसके साथ बढ़ते हैं आगे मकर राशि। पहला कार्ड निकल रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड सेकंड कार्ड इज थ्री ऑफ सॉल्स। तो इसी राशि में मंगल जो है वक्री होकर प्रथम स्थान में यानी कि लग्न स्थान में बैठे हुए हैं। शारीरिक रूप से स्थान इस राशि वाले जो लोग हैं वो थोड़ा सा लेजीनेस महसूस करेंगे, कहीं ना कहीं में मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा विचलित रहेंगे, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखेंगे अपने सोच में, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ेंगे। कार्यों में बहुत खुद से ही आप लोग डिलेस करते हुए जाएंगे या अपने आप से ही फुल स्टॉप लगा देंगे चलते हुए काम में ही। इसके अलावा आलस्य हावी होने के कारण अगर बात करें व्यापार व्यवसाय की, तो नई योजनाएं बनाना आप बंद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मकर राशि वाले लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि आप ही की राशि में लग्न स्थान में ही मंगल वक्री हो रहे हैं। आप लोगों को क्या उपाय करना चाहिए, मंगलवार के दिन नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। साथ ही में मंगलवार के दिन आपको मंगल की चीज़ों का दान करना चाहिए, मसूर की दाल लाल कपड़े में बांध करके किसी भी धार्मिक स्थल पर आप दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके लिए स्थिति थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। चलिए बात करते हैं एक्वेरियंस की। पहला कार्ड निकल रहा है एट ऑफ वांड्स एंड द सेकंड कार्ड इज नाइन ऑफ पेंटाकल्स। तो इस राशि के में मंगल जो है द्वादश भाव में वक्री हो रहा है। साथ ही में मंगल के वक्रत्व के दौरान खर्चा आप लोगों के लिए बढ़ेगा, साथ ही में अनावश्यक कार्यों पर पैसा खर्च हो सकता है। और इसके अलावा अगर बात करें आपके लिए 3 महीने इसके दौरान आर्थिक संपन्नता हासिल करने के लिए कई अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन उसको आप अपने ही डिसीजंस की वजह से गवा देंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप सही डिसीजंस लेते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं, लेकिन गलत डिसीजंस की वजह से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए छोटा सा उपाय, लाल रंग का तिलक अपने माथे पर लगाकर अपने दिन की शुरुआत करेंगे आप रोज़, कम से कम 3 महीने तक इस उपाय को करना है। बात करते हैं मीन राशि। पहला कार्ड निकल रहा है नाइट ऑफ पेंटाकल्स एंड द सेकंड कार्ड इज एस ऑफ सॉर्ड्स। तो आप लोगों के लिए मंगल जो है एकादश भाव में वक्री हो रहा है, ये आय का स्थान है, इसीलिए मीन राशि वाले जो लोग हैं आय के नए स्रोत बनेंगे आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं पे फंसा हुआ जो पैसा है वो बड़ी मुश्किल से वापस लौटेगा, मेहनत ज़्यादा करवाएगा आपको। कर्ज बिल्कुल नहीं लेना है इस अवधि के दौरान, ना ही किसी को उधार आपको देना है, वरना पैसा वापस मिलने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे। आप लोगों के लिए उपाय क्या करेंगे, हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा संध्या काल के समय। और कोशिश कीजिए कि किसी भी हनुमान मंदिर के शिखर के आप लोग दर्शन करें, इसके करने से भी आपके लिए कर्जा जो है अगर आपको ऑलरेडी चढ़ा हुआ है तो जल्दी आप उतार पाएंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कुछ खास टॉपिक्स के साथ, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ।